जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम एक शॉर्ट नोट्स में समझने की कोशिश करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं। सवाल इससे कई बार अक्सर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च में उसके सवाल पूछ लेता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सकेंद्रीय होने की एक प्रवृत्ति होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब, जैसे आप मध्यमान निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो इसका ये क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास सकेंद्री होना होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। सकेंद्री होने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि आप माध्य निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं, तो जब माध्य निकालते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने 2, 5, 6, 8, 12 इसका आपने क्या निकाला, माध्य निकाला। तो माध्य निकालना क्या होता है, एक केंद्र बिंदु आता है जिसके आसपास इसके डेटा दिए रहते हैं, आप इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को दोस्तों हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप समझ जाइए फिर से, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी से किसी विशेष मूल्य के आसपास सकेंद्रीय होने की प्रवृत्ति। जो भी हमारे पास तथ्य निकले हैं, जो भी हमारे पास डेटा निकला है, उसकी यह नेचर, उसका यह टेंडेंसी कि वह एक सेंट्रल पॉइंट के आसपास हो, यही वास्तव में क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। उस बिंदु या मूल को जिसके आसपास अन्य बिंदु या मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीय बिंदु या फिर सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य कहा जाता है। ये चीज़ें कही जाती हैं जिस बिंदु के आसपास, जो इस बिंदु के केंद्र के आसपास सारे डेटास रहते हैं, सारे आपके आंकड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं या फिर सांख्यिकी माध्य कहते हैं। ये बात हो गई समझ में। अब आइए सरल शब्दों में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है, संक्षेप में बताने का एक तरीका है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी बच्चे ने मैथ में 60 नंबर पाया और फिजिक्स में 85 पाया, इस तरीके से पाया, तो संक्षेप में आप क्या करते हैं, आप उसके परसेंटेज बता देते हैं या फिर एवरेज बता देते हैं कि एक सब्जेक्ट में वो एवरेज औसतन इतना नंबर पाया है। तो ये क्या हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसी को कहते हैं, आराम से इसको लिख सकते हैं। अब आइए एक परिभाषा देख लेते हैं। सिंपसन ने क्या कहा था भैया, इन्होंने कहा था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं सकेंद्रित होती हैं। इस तरीके से आपको लिखता है, समझना है। अब प्रकार की बात कर लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः इसको तीन प्रकार से माना गया है, माध्य, माध्यक और बहुलक। वैसे तो कई सांख्यिकी माप हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के, किंतु सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही तीन हैं, औसत हैं, जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आपसे और पूछ लेता है कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, कौन सा। तो दोस्तों माध्यिका, मीन का, माध्यिका यानी कि एवरेज का। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में माध्य सबसे उपयुक्त औसत मान होता है, क्योंकि यह डेटा दिए गए समूह के सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य अथवा मीन आंकड़ों के लगभग बीच अवस्थित रहता है और वह माध्य कहलाता है, अर्थात दी गई संख्याओं के योग एवं कुल संख्याओं के अनुपात को माध्य कहते हैं। दी गई संख्याओं के योग, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जितने संख्याएं हैं उनका संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो बस ऐसे ही फॉर्मूला में डाल देना है, फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूछे तो आप बताइए कि वह प्रवृत्ति किसी डेटा या किसी समूह की, वह प्रवृत्ति जो किसी एक केंद्र पॉइंट के आसपास रहती हो, सेंट्रल पॉइंट के आसपास रहती हो, यह प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। तीन, माध्य, माध्यिका, बहुलक होता है, और सबसे जो उपयुक्त होता है वो माध्य होता है। माध्य की गणना किसे कहते हैं, माध्य को औसत भी कहते हैं। माध्य की गणना कैसे कहते हैं, आंकड़ों के सभी योग और आंकड़ों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। और इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख देंगे, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन तैयार होकर आ जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछता है कि सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, तो माध्य है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के महत्व देख लीजिए, औसत श्रृंखला की समग्र तस्वीर प्रदान करता है। हम पूछताछ के क्षेत्र में संबंधित प्रत्येक और हर तथ्य को याद नहीं रख सकते। कोई भी अगर आपको डेटा रिसर्च करना हो तो हर एक डेटा याद नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मली आपके पूरे क्लासरूम में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप सबको नहीं निकाल सकते। तो आपने एवरेज बता दिया, औसत बता दिया, माध्य बता दिया कि लगभग सबका जोड़ के जितने बच्चे उसको डिवाइड करने के बाद लगभग आपका 85% परफॉर्मेंस सारे बच्चों का रहा है। तो इस तरीके से आपने बता दिया। औसत मूल्य मार्गदर्शन और आवश्यक निष्कर्ष लेने के अध्ययन के तहत क्षेत्र में के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। यह संपूर्ण रूप से समूह के प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण देता है और हमें विशिष्ट प्रदर्शन के संदर्भ में दो या अधिक समूहों की तुलना करने में सक्षम बनाता है। अब मान लीजिए किसी एक क्लासरूम में
कोई एक बच्चा 90% लाता है, बाकी के सारे बच्चे 60% से कम लाते हैं। वहीं किसी दूसरे क्लास में इस क्लासरूम के सारे बच्चे 80 और 85% लाते हैं, तो किस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा होगा? अब पहला क्लास कहेगा कि अरे मेरे क्लास का बच्चा तो 90% लाया लेकिन बाकी सारे तो 60% रहा ना, और दूसरे क्लास के सभी बच्चों का 80-85 रहा, तो औसत निकालेंगे तो दूसरे क्लास का ज़्यादा होगा। तो ये क्या करते हैं भाई, एक अस्पष्ट आपको निर्णय लेने में और उसके प्रदर्शन के संदर्भ में तुलना करने में सक्षम बनाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। एक और सवाल देख लीजिए, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में ना कुछ त्रुटियों की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 85%, अब 85% में मानक विचलन आपने कर दिया 5%, तो 5% मतलब हो सकता है कि 85% औसत है लेकिन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो 5% का मानक विचलन रखता है, तो बच्चों का जो परफॉर्मेंस होगा 80 और 90 के बीच में होगा। किसी का हो सकता है 87 हो, किसी का 88 हो, किसी का 82 हो, 80 और 90 के बीच में संख्याएं ज़्यादा वेरी कर रही हैं लेकिन औसत हमारा कितना है 85 है। तो मानक विचलन वास्तव में क्या करता है भाई, मानक विचलन एक गणितीय सांख्यिकी शाखा से लिया गया एक शब्द है और एक डेटा मानों का सेट के वितरण का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें वास्तव में होता क्या है, उन मानों का विवरण डेटा सेट के औसत मान से कैसे फैला है इसको मापने के लिए मानक विचलन एक मान बताता है। जो औसत मान है, मैंने बताया ना कि मान लीजिए किसी बच्चे का 80 क्लासरूम में किसी बच्चों का 80 है, किसी का 81, 82, 85, 83, 90, तो औसत मान लीजिए हमारा औसत कितना है भाई, औसत हमारा मान है यानी कि जो माध्य हमारा वो है 85, हमारा 85 है। अब 85 से कितने फैलाव में है, यहाँ तक 90 तक और यहाँ तक कितना दोस्तों 80 तक, इन्हीं के बीच में है, तो यही इसका मानक विचलन होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझिए, जैसे तो मान लीजिए ये हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं 0 से लेकर 100 तक, तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों के ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो 30 से लेकर 70 के बीच में हैं, ठीक है। जो इनका माध्य 0 से 100 के बीच का माध्य क्या होगा, माध्य होगा 50, माध्य क्या हो जाएगा 50। तो मानक विचलन क्या है, इस माध्य के सापेक्ष आंकड़ों का फैलाव या बिखराव। तो आप देखेंगे यहाँ से 50 से 20 इधर और 50 से 20 इधर, इसी के बीच में आंकड़ों का ज़्यादा फैलाव है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। इससे अब इससे पता चलता है कि औसत यानी कि मध्यमान से कितनी भिन्नता है, औसत यानी मध्यमान से कितनी भिन्नता है। इसे वितरण के मध्यमान से अंकों के औसत के अंतर के रूप में माना जा सकता है कि वे मध्यमान से कितनी दूर हैं। एक निम्न मानक विचलन इंगित करता है कि डेटा अंक मध्यमान के बहुत समीप होते हैं, जबकि उच्च मानक विचलन इंगित करता है कि डेटा मानों की एक बहुत बड़ी श्रेणी में फैला हुआ है। इस तरीके से आपको पता लगता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कोई क्वेश्चंस की बात करूं, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा दिया गया है 7, 9, 11, 13 और 5। अब हमें दिखाना है कि इनके अंदर कितना विचलन है, तो आप सबसे पहले इनका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो 5 संख्याएं हमने, हमारा कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है 11 आ गया। अब हम 11 को क्या करेंगे, 11 को सबके साथ माइनस कर देंगे। 11 को हमने सबसे पहले 7-11 कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 9-11 किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर 11-11 किया, फिर स्क्वायर किया, 13-स्क्वायर किया, फिर तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद जितनी संख्याएं थी उससे भाग दे दिया। तो इसको करने के बाद देखेंगे लास्ट नंबर 8 आया। 8 आने के बाद हम इसका मानक विचलन निकालने के लिए सदैव एक वर्गमूल ले लेते हैं, तो जो आया हम उसका वर्गमूल ले लेंगे और हमारा मानक विचलन कितना आया, मानक विचलन आया 2.8 हमारा यहाँ पे मानक विचलन आया है। मानक विचलन क्या दर्शाता है भाई, मानक विचलन यहाँ पे ये दर्शाता है कि आंकड़ों का इस तरीके से फैलाव है, ठीक है, आंकड़ों का इस तरीके से फैलाव है और इस तरीके से आपने मानक विचलन यहाँ पे गणना कर लिया। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। अगर आपको सवाल भी दे, अक्सर वैसे क्वेश्चन देता नहीं है कि मानक विचलन इस विधि से निकालना, अगर आपको मानक विचलन दे भी देता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, माध्य निकाल लेंगे और माध्य निकालने के बाद जो उसका माध्य होगा उसके 1/1 उसको माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इस तरह अगर मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, टेबलर फॉर्म है, जो बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं। जो बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मानक विचलन आपको यहाँ से निकाल दिया, इसे दो एक वर्ग अंतराल दे दिया और एक एक्स दे दिया, तो यहाँ से आप मानक विचलन कैसे निकाल, यहाँ से पहले माध्य कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लेते थे और मिड पॉइंट और एफ एक्स का मल्टीप्लाई करा के इन सब के जोड़ को और इससे डिवाइड कर देते थे, इससे माध्य निकलता था ना। अब इस माध्य को आप 1/1 सबसे फ्रीक्वेंसी से माइनस करके स्क्वायर करेगा उसको जोड़ने के बाद,
और फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देगा। हालांकि एक वीडियो मानक विचलन पे बनाई गई है कि कैलकुलेशन करना कैसे करना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा इस वीडियो में? इस वीडियो में आपने देखा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो भाई एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि संख्या या तत्वों के मूल्यों में किसी एक विशेष मूल्य के आसपास सकेंद्रित होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। मुख्यतः जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के दिए गए हैं, तो बहुत लेकिन तीन प्रचलित में है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। और इसमें सबसे उत्तम माप किसका होता है? उत्तम माप माध्य का होता है। माध्य क्या होता है? माध्य औसत होता है। इसकी गणना कैसे की जाती है? आंकड़ों का कुल योग डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। तो ये एक अनुपात है जहाँ पे कुल आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या का ये अनुपात होता है। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, केंद्रीय प्रवृत्ति की महत्व आपने बता दिया, और फिर आप आ गए मानक विचलन पे। मानक विचलन क्या है भैया? माध्य के सापेक्ष, जो आपने माध्य निकाला उसके सापेक्ष डेटा का फैलाव या बिखराव क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? आपने ये ग्राफ बना के समझा देना है, ग्राफ बना के समझा। अगर इस तरीके सवाल आ गया बस लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। आप इस तरह से ग्राफ बना के समझा देंगे, फिर आप उसको इस तरीके से लिख के एक एग्जाम्पल देख के आप वहाँ पर समझा दीजिएगा। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं इस तरीके से छोटा सा कोई भी एग्जाम्पल लिख के आप समझा दीजिएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इसको पूछा भी गया सवाल में। तो अगर आपसे सवाल इस बार ये भी पूछता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। समझ गई आ गई हो बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएँ देते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपनी समस्या सुझाव या कोई मशवरा मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट में बताते हैं। तो कमेंट में जरूर आइएगा, बात जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन डीड कहने का मतलब ये है दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्लासरूम क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, क्लासरूम के जो कॉलेज ग्रुप में उसमें शेयर कर दीजिएगा। इससे ही तो मेरा फ़ायदा होगा, बच्चों की रीच आएगी तो वीडियो सर ट्रेंडिंग में आएगा और यहाँ से रेवेन्यू मेरा अच्छा जनरेट होगा। तो चलिए, बाकी आपकी जो समझ मेरी समझ, मुझे अच्छा लगा बनाने का बना दिया, बाकी आगे आपकी जिम्मेदारी, मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, जीवन में कामयाब रहिए, इससे ज़्यादा आप देखें। जय हिंद, जय भारत।